Hello, my dear students. Myself Anwar Hussain Barbiya, and I welcome you to my channel AHB Physics. So today it is the lecture number 5. So previously we have already delivered 4 lectures on electric potential and capacitance. So always come to 5 means if you want to attend lecture number 5, you go through lecture 1 to 4. Then you come to lecture 5, you'll have clear idea about this lecture. So today we are going to study potential energy of a system of charges. So आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Potential energy of a system of charges. और यहाँ पे मैंने लिखा है in the absence of external field, means यहाँ पे कोई भी external electric field नहीं होगा. So go to introduction, means introduction class, that is lecture number 1. वहाँ पे हम लोगों ने potential energy क्या पढ़ा था? Potential energy is the amount of work done in bringing a unit positive charge. In bringing a charge from infinity to any point in the external in the electric field means infinity से कोई एक charge को उठा के अगर electric field के अंदर लाते हैं उस process में जो work done होता है उसको हम क्या बोलते हैं potential energy बोलते हैं. तो आज यहाँ पे external field नहीं है means electric field नहीं है उसके बाद भी हम लोग potential energy define कर सकते हैं. तो कैसे define करेंगे? It is the potential energy of the system of charges means किसी एक system of charges के लिए potential energy कितना होगा. तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इनफिनिटी. सो वी आर कंसीडरिंग दैट वी हैव टू पॉइंट्स. मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ए दूसरा है पॉइंट बी. यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी है, ये आपका इंफिनिटी है और यहाँ पे आपके पास दो चार्ज है, एक है चार्ज Q1 और दूसरा है चार्ज Q2. तो आपको करना क्या है? आपको इंफिनिटी से Q1 चार्ज को ऐसे उठा के लाना है, Q1 चार्ज को उठा के पॉइंट ए में लाना है और Q2 चार्ज जो है उसको उठा के आपको कहाँ पे लाना है? पॉइंट बी में लाना है. तो Q1 चार्ज को आप लाएंगे पॉइंट ए में और Q2 चार्ज को आप लाएंगे पॉइंट बी में. सो यू आर ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एंड Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी. तो Q1 को उठा के लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे जैसे W1 और Q2 को लाने के लिए जो आप वर्क डन करेंगे से दैट वर्क डन इज W2. ये दोनों वर्क डन को अगर आप जोड़ देंगे सो टोटल वर्क डन इज W, इट इज W1 प्लस W2. दैट मींस दो वर्क डन को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन मिलेगा. सो अभी डेफिनेशन में आएंगे. आइए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है कितने पॉइंट चार्जेस है? दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. तो ये Q1 Q2 मिलके हमारा क्या बनेगा? सिस्टम बनेगा. इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमारा जो सिस्टम है उसमें दो चार्जेस है, Q1 को इंफिनिटी से उठा के कहाँ पे लाएंगे? पॉइंट ए में लाएंगे. Q2 को इंफिनिटी से उठा के कहाँ पे लाएंगे? पॉइंट बी में लाएंगे. सो Q1 और Q2 को अपना पोजिशन पे लाने के लिए कहाँ पे कहाँ से ला रहे? Q1 को इंफिनिटी से ला रहे, Q2 को इंफिनिटी से ला रहे. तो दोनों को लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा. सो इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, तो ये चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है एट देयर लोकेशन, उनके लोकेशन पे लाना है बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इंफिनिटी. यहाँ पे लाना है कहाँ से? इंफिनिटी से. तो किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस के लिए, वो तीन चार्जेस के लिए भी हो सकता है, फोर चार्जेस के लिए भी हो सकता है, एनी एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हो सकता है. तो इन दोनों चार्जेस को इन दोनों पोजीशंस पे लाने के लिए, कहाँ से लाने के लिए? इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो जो नेट वर्क डन है उसको हमें क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. उसके बाद मैंने लिखा है ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं has potential energy because of its interaction with the electric field. Means कहीं अगर electric field है वहाँ पे अगर किसी एक दूसरा charge को लाएंगे, कोई electric field है उसके अंदर कोई दूसरा charge को लाएंगे, तो charge को ला के यहाँ पे रखने से यहाँ का जो electric field है वो इस charge के ऊपर क्या करेगा? Interaction करेगा. उस interaction की वजह से क्या होता है? Potential energy आता है. So this is called electric potential energy. उसको हम क्या बोलते हैं? Electric potential energy बोलते हैं. तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है. ये तो था आपका इंट्रोडक्शन. इसके ऊपर दो टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स को जो है
एग्जाम में डेराइवेशन के रूप में आता है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। सो फर्स्ट वी विल बी डेराइविंग, ये हमारा पहला डेराइवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, तो इसको हम लोग डेराइव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए ये हमारा आर्बिट्ररी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सो दीज आर द आर्बिट्ररी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड डायरेक्शन है। नाउ इस आर्बिट्ररी ये जो एक स्पेस है, इस स्पेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज ए, और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट है, वो पॉइंट है बी। मेरा जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर क्या है, पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर मान लीजिए आर वन वैक्टर, और पॉइंट बी जो है इसका पोजिशन वैक्टर क्या है, पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर है आर टू वैक्टर। अब पोजिशन वेक्टर का तो आपको कोई डाउट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है, समझा रहा हूँ, देखिए ये मेरा पॉइंट ए है और यहाँ पे मेरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए, पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और पॉइंट बी जो है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। पॉइंट ए का मेरा पोजिशन वेक्टर क्या है, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर है r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, r1 वेक्टर को हम लोग लिखते हैं x1 i cap plus y1 j cap plus z1 cap। r2 वेक्टर का हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, मान लीजिए ये पोजीशन है, दैट पोजीशन इज r2 वेक्टर, तो कोऑर्डिनेट क्या है, x2 i cap plus y2 j cap plus z2 cap। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, पॉइंट ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है उसके पोजीशंस क्या है, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थ्री डायमेंशन है, मैंने पहले भी बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज थ्री डायमेंशन, सो यू हैव टू यूज थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। तो ये हमारा मिल गया पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशंस। नाउ हमारे पास इंफिनिटी है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी है, दूर नहीं, मान लीजिए यहाँ पे इंफिनिटी है, सो दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी पे मेरा चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। आपके पास पहले यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ पे, इंफिनिटी पे। आपको क्या करना है, चार्ज Q1 को उठा के लाना है, मान लीजिए वो पॉइंट ए में लाना है, Q1 को उठा के पॉइंट ए में लाना है, उस प्रोसेस में कुछ वर्कर होगा। फिर Q2 को उठाना है इंफिनिटी से कहाँ पे लाना है, बी में लाना है, उस प्रोसेस में भी कुछ वर्क डन होगा। तो ये दोनों वर्क डन को अगर आप एड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा, ठीक है। सो इस डेराइवेशन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि चार्ज Q1 को उठा के ए में लाएंगे और Q2 को कहां पे लाएंगे, बी में लाएंगे। सो कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट्स ए एंड बी विथ पोजीशंस R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। तो यहां पर मान लीजिए आपका ओरिजिन है, सो कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस, हमने दो पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, एक है Q1 दूसरा है Q2, एट पॉइंट्स ए एंड बी, इनको उठा के हम लोग ए और बी में लाएंगे विद पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर R2 वेक्टर। Q1 को लाएंगे ए में, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, Q2 को लाएंगे बी में, पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से इनका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। सपोज द चार्जेस आर इनिशियली एट इंफिनिटी, चार्जेस आर Initially at infinity. तो ये चीज आपको हमेशा assume करना है कि initially आपका charges कहाँ पे था, infinity पे था। So the work done in assembling the configuration, the work done in assembling the configuration
the work done in assembling the configuration of charges Q1 and Q2 at points A and B. The work done in assembling the configuration of charges Q1 and Q2 at points A and B is the potential energy of the सिस्टम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, Q1 को लाने के लिए और Q2 को लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा इन दोनों चार्ज के सिस्टम को पाने के लिए, एट पॉइंट्स ए एंड बी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा। तो चार्ज Q1 और Q2 का जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q1 को A में लाना है, Q2 को B में लाना है, लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम होगा। सो लिख लीजिए, नाउ पॉइंट ए जो है यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ चार्जेस है, कोई भी चार्जेस नहीं है, नीचे कुछ चार्ज है क्या, नहीं है। आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, आपके पास ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से उठा के एक चार्ज को लाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज। अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई फील्ड है, फील्ड नहीं है, फील्ड अगर नहीं है तो वर्क डन होगा, वर्क डन भी नहीं होगा। ए पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क इज डन ओनली अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन नहीं होगा। नाउ विल अज्यूम दैट हम लोग जो है ये चार्ज Q1 को यहाँ से उठा के इसे लाएंगे। अब मैं इसको अपना हिसाब से पाथ बना रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो चार्ज Q1 को मैं इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहा हूँ, तो चार्ज Q1, आई एम ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। नाउ पॉइंट ए में जब आएगा तो इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन होगा, व्हाट इज दैट वर्क डन, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस वर्क डन एज W1। चार्ज Q1 को मैं इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे लाऊंगा, पॉइंट ए में लाऊंगा, उस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, W1 से। व्हाट इज दिस W1, दिस W1 इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। W मीन्स वर्क डन Q1 मीन्स वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q1, कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ पे लाएंगे, ए पे। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं W1 से। क्लियर? तो हमें पता है चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी फील्ड नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे, सपोज द चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। Suppose the charge Q1 is brought from brought from infinity to point A, infinity से point A में लाएंगे, the work done in this process is zero, the work done in this process is zero. Why the work done is zero? Since there is no field, यहाँ पर कोई field नहीं है तो work done zero होगा। So we can write the work done in moving the charge Q1 from infinity to point A, it is W1, it is equal to 0. So work done, charge Q1 को point A में लाने के लिए जो work done होगा, वो work done कितना है? 0 है। अब assume कर लीजिए, ये जो मेरा point A है, यहाँ पे charge Q1 आ चुका है। ये मेरा point A है और यहाँ पे charge Q1 आ चुका है। अब जैसे ही ये charge यहाँ पे आएगा, इस point पे, आप ही ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक field बनाएगा। So यहाँ पे एक field होगा। अब इस फील्ड की वजह से कभी अगर एक पॉइंट बोलेंगे तो उस पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, पोटेंशियल होगा, होगा या नहीं होगा। मान लो ये चार्ज Q1 है, ये जैसे ही आएगा इसके आसपास में एक स्पेस होगा, मान लीजिए एक स्पेस है।
अब ये स्पेस में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इस स्पेस में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चार्ज मेरा क्यू वन, यहाँ पे कोई पॉइंट है चार्ज क्यू वन, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट बी है और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है आर है, तो इस चार्ज क्यू वन की वजह से पॉइंट बी में एक पोटेंशियल होगा, व्हाट इज दैट पोटेंशियल, इट इज 1/4πε0 चार्ज क्या है क्यू वन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, सपोज द डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस क्या होगा आर। तो मुझे पता है मैं यहाँ पे वन चार्ज वन को ला रहा हूँ, यहाँ पे मैं चार्ज टू को ला रहा हूँ, तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आर वन टू वेक्टर, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर वन टू वेक्टर। तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी में चार्ज क्यू वन की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी मीन्स पोटेंशियल एट बी, सो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज क्यू वन, 1/4πε0 क्यू वन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, सपोज द डिस्टेंस इज आर वन टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजिशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो दिस इज योर पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी में पोटेंशियल है, अब मैं क्या करूंगा, तो इस चीज को पहले यहाँ पे लिख लेता है, वर्क डन हो गया, अभी पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू वन एट ए इज, सो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज क्यू वन एट ए इज, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज क्यू वन एट ए इज 1/4πε0, द चार्ज इज क्यू वन डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस इज आर वन टू, द डिस्टेंस इज आर वन टू। अब यहाँ पे पोटेंशियल है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड है, अब यहाँ से कोई एक चार्ज को उठा के फिर लाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि एक सीधा पाथ में लाए, मैं ऐसे ला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ चार्ज क्यू टू को ऐसे ला रहा हूँ, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, सीधा लाओ टेढ़ा लाओ किधर भी लाओ वाटा तो सेम होता है, तो इस पाथ में मैं किसको लाऊंगा, चार्ज क्यू टू को लाऊंगा, और इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो वर्क डन है डब्ल्यू टू, सो व्हाट इज दिस डब्ल्यू टू, इट इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू टू, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, इसको हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू टू, सो दिस इज द वर्क डन। नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू टू from infinity to point B is, work done हम लोग कैसे define करते हैं, हमें पता है work done को कैसे define किया जाता है, लिख लीजिए यहाँ तक, हमें पता है work done को कैसे define करते हैं, so difference in potential is del v, it is the work done in moving the charge between any two points, so यहाँ से मान लीजिए infinity से point b तक लाएंगे, तो infinity to point b per unit charge, कौन सा charge को ला रहे हैं, charge के दो, so difference in potential is the work done in moving the charge in between two points, तो हमारा charge किसको ला रहे हैं, q2 को ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, infinity से, कहाँ पे लाएंगे, b में, work done from infinity to point b, फिर कौन सा charge को ला रहे हैं, charge q2 को ला रहे हैं, so that will be the difference in potential, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कहाँ पे, इनिशियली कहाँ पे था इन्फिनिटी, फाइनली कहाँ पे बी में, तो फाइनल पोटेंशियल इज बी बी माइनस इनिशियली कहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो बी इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज क्यू टू, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एट बी इंटू चार्ज क्यू टू विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो इसका मतलब Q2 into VB will be equal to work done in moving the charge from infinity to point B, तो ये चीज जिनको समझ में नहीं आता राइट साइड में कहीं पे कॉपी करके रख सकते हैं, सो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज, सो इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो वर्क डन है W2, सो दिस वर्क डन W2 मींस W2 क्या है, दिस वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, इट इज इक्वल टू क्या है, इट इज Q2 into potential at point B. So Q2 into potential at point B. What is potential at point B? Potential at point B is 1/4πε0 Q1 by R12. So iske sath kya hoga? Q2 multiply hoga. So this
1 by 4 pi epsilon naught. The charge is q1, q2 divided by the distance is r12. So this is the work done in moving the charge q2 from infinity to point B. अब हमने चार्ज q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में ला लिया है और चार्ज q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी में ला लिया है। q1 को लाने के लिए वर्क डन हुआ w1 और q2 को लाने के लिए वर्क डन हुआ w2। ये दोनों वर्क डन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो दैट विल बी द टोटल वर्क डन, और ये जो टोटल वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो नाउ वी कैन से दैट टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, कॉन्फिगरेशन को बनाने के लिए टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस q1 एंड q2 इज टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस इज टोटल वर्क डन इज w, इट इज इक्वल टू w1 प्लस w2। लिख लीजिए So what will be the total work done? Total work done is W1 work done कितना है? Charge Q1 को infinity से point A में लाने के लिए work done कितना है? 0 है। और W2 कितना है? अभी हम लोगों ने निकाला है, it is 1 by 4 pi epsilon naught. The charge is Q1 Q2 divided by the distance. Distance is r12. So the net work done or the total work done is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r12. और बाय डेफिनेशन आप लोग जानते हैं द वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फिगरेशन, चार्ज का कॉन्फिगरेशन को बनाने के लिए जो वर्क डन होता है इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट विल बी द दस और वी कैन से दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी of the configuration of point charges Q1 and Q2 at points A and B. So this work done is the potential energy of the configuration of point charges Q1 and Q2 at points A and B. So point A और B में Q1 और Q2 को लाने के लिए जो वर्क डन है वही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल क्या है, कैपिटल U है। So it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. The product of charges Q1 Q2 divided by the distance it is r12. So this is your potential energy. अब मान लीजिए यहाँ पे तो ये मॉडुलस नहीं है, मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, साइन लेना है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव होने से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इससे क्या पता चलता है, अगर दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है। तो इनका इनका जो फोर्स है वो क्या होगा, बेसिकली रिपल्सिव फोर्स होगा। जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट पे अगर वर्क डन करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्शन होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट पे काम करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो इसके अगेंस्ट इसके डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज को लाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होने से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होने से भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हम लोग डिराइव करेंगे, सो दिस इज सेकेंड डेराइवेशन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस। तो अभी तीन चार्ज ले लेते रहते हैं, तो ये दोनों डेरिवेशन हमारा एनसीईआरटी में है और एग्जाम में भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस। तो इसको डिराइव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास तीन पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये तीन पॉइंट है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट ए है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा बी है, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए मेरा पॉइंट सी। तो इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे तीन चार्ज को लाना है। इनिशियली मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, कॉन्सेप्ट सेम है, डेराइवेशन खाली देखिए, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे मेरा तीन पॉइंट चार्जेस है, एक है क्यू वन, दूसरा है क्यू टू और तीसरा क्या है क्यू थ्री है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो ये जो पॉइंट्स ए बी सी है, तो अभी फिर पोजीशन वेक्टर का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर वन वेक्टर। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट बी है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है आर टू वेक्टर। यहाँ पे पॉइंट सी है, इसका पोजीशन क्या है आर थ्री वेक्टर। तो इन पॉइंट्स पे ये तीन पॉइंट्स है, पॉइंट ए का पोजीशन आर वन, पॉइंट बी का पोजीशन आर टू, पॉइंट सी का पोजीशन क्या है आर थ्री वेक्टर है। तो अभी यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए यूज नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग खाली कहानी में बोल देंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चार्ज क्यू वन को, चार्ज क्यू वन को उठा के लाएंगे, चार्ज क्यू वन को हम लोग उठा के लाएंगे कहाँ पे, पॉइंट ए में। सो वी ब्रिंग चार्ज क्यू वन टू पॉइंट ए, और चार्ज क्यू वन को लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन क्या होगा, वो वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू वन। सबसे पहले इंफिनिटी से मैं चार्ज क्यू वन को ला रहा हूँ, लाने के लिए मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा डब्ल्यू वन। अब ये जो वर्ड चार्ज यहाँ पे जैसे ही आएगा तो पॉइंट ए में मेरा कौन सा चार्ज आएगा, पॉइंट ए में मेरा चार्ज क्यू वन आ चुका है। तो जैसे ही पॉइंट ए में चार्ज क्यू वन आएगा, आके क्या करेगा, यहाँ पे एक फील्ड बना देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक फील्ड हो जाएगा। अब उस फील्ड में पॉइंट बी में एक पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वहाँ पे क्यू टू को लाएंगे, तो आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इनिशियली आप एजिम कर लीजिए तीन पॉइंट ए बी सी है, इनका पोजिशन वेक्टर आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर आर थ्री वेक्टर है। सबसे पहले पॉइंट ए में चार्ज क्यू वन को लाएंगे, इस प्रोसेस में वर्क डन कितना है, वर्क डन इज डब्ल्यू वन। सो कंसीडर थ्री पॉइंट चार्जेस, कंसीडर थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री एट पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजिशंस और विथ पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर, आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर एंड आर थ्री वैक्टर रिस्पेक्टिवली। तो हमने तीन पॉइंट कंसिडर किए हैं ए बी सी, ए का पोजिशन वैक्टर आर वन वैक्टर है, बी का पोजिशन आर टू वैक्टर है और सी का पोजिशन आर टू, सी का पोजिशन आर थ्री वैक्टर है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सपोज द चार्जेस आर इनिशियली एट इंफिनिटी, सपोज द चार्जेस आर इनिशियली एट इंफिनिटी, पहले हमारे चार्ज कहाँ पे है इंफिनिटी का, अभी भी इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है। सो हमें क्या करना है, द वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, द वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, द वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ज क्यू वन को लाएंगे कहां पे, पॉइंट ए में। सो द वर्क डन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू वन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू वन
from infinity to point A is, the work done in bringing the charge Q1 from infinity to point A is, the work done in this process we are representing it as W1. What is the work done? Work done is 0. Q0 is because वहाँ पे कोई charge नहीं है, वहाँ पे कोई field नहीं है, अभी अभी charge को लाया Q1 को, ठीक है? पहले introduction part को लिख लीजिए, हो गया? अब हमारा चार्ज Q1 जो है पॉइंट A में आ गया है। जैसे ही ये पॉइंट A में आएगा, अभी हमें क्या करना है, Q2 को B में लाना है। तो ये पॉइंट में आते ही क्या करेगा, इसके पास में एक फील्ड बनाएगा, इस फील्ड की वजह से पॉइंट B में एक पोटेंशियल होगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 एट A। तो चार्ज Q1 अभी A पे आ चुका है, आके ही B में क्या करेगा, एक पोटेंशियल बनाएगा। व्हाट इज दैट पोटेंशियल, सो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द चार्ज इज Q1, और Q1 और यहाँ पे Q2 आएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख लेता हूँ, द डिस्टेंस इज 1, यहाँ पे 2 आएगा, सो R12, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस इज R12, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज Q2 को उठा के, चार्ज Q2 को उठा के ऐसे धीरे धीरे उठा के कहाँ पे लाएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन, आपने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा है। चार्ज Q2 को उठा के इंफिनिटी से कहाँ पे लाएंगे, पॉइंट बी में लाएंगे। सो वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 अलोंग दिस पाथ, सो यहाँ से हमारा चार्ज Q2 आएगा। इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो वर्क डन है W2। सो व्हाट इज द वर्क डन, द वर्क डन in bringing the charge, the work done in bringing the charge Q1 from infinity to point B is, इस process में जो work done होगा, that work done is W2। इससे पहले ही हम लोगों ने explain किया, work done क्या होता है, it is the charge, कौन सा charge को ला रहे हैं, charge Q2 को ला रहे हैं, इनटू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, कहाँ पे ला रहे, पॉइंट बी में ला रहे, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल माइनस कहाँ से ला रहे, इंफिनिटी से ला रहे, इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है, जीरो, सो इट इज क्यू टू इनटू वी बी माइनस जीरो। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू टू इज वी बी कितना है, ये है, तो इसका मतलब दिस वर्क डन इज, ये तो पहले का डेरिवेशन का सेम है, 1 बाय 4 पाई, 1 by 4 pi epsilon naught, the charge is Q1, और इसके साथ क्या है, Q2 है, into Q2 divided by R1, ये हो गया आपका चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B में लाने के लिए वर्क डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट C है, इस पॉइंट C में चार्ज Q2 को उठा के लाना है। अब पॉइंट C में एक पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल किसके किसके लिए है, पॉइंट C में अब यहाँ पे दो चार्जेस ऑलरेडी आ चुका है, ये भी एक पोटेंशियल देगा, ये भी एक पोटेंशियल देगा, एंड बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी भी चार्ज कंफिग्रेशन का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब पॉइंट सी में जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल इज चार्ज क्यू वन की वजह से जो पोटेंशियल है, और चार्ज क्यू टू, अब पॉइंट बी में मेरा क्या है, पॉइंट बी में मेरा चार्ज क्यू टू आ चुका है, तो पॉइंट बी में चार्ज क्यू टू आ चुका है, तो पॉइंट सी में क्यू वन का पोटेंशियल प्लस क्यू टू का पोटेंशियल जो है वो होगा टोटल पोटेंशियल। So potential due to charge Q1 plus potential due to charge Q2 is the total potential at point C. So we can now find out the potential at point C due to charges Q1 and Q2 at points A and B is, the potential at point C is the potential due to charge Q1 plus potential due to charge Q2। तो potential निकालने के लिए हमें distance चाहिए, तो यहाँ पे मेरा third charge जाएगा, तो इनके बीच का जो distance है इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये second है ये third है, तो इस distance को मैं बोल सकता हूँ R23, ये मेरा पहला charge है, यहाँ पे क्या आएगा third charge आएगा, तो यहाँ पे मेरा कौन सा charge आने वाला है, charge Q3, तो इसके बीच में जो distance है वो distance मेरा क्या है R13, ये distance हो गया R13।
तो अभी यहाँ पे चार्ज नहीं है, सो दिस इज द पॉइंट सी का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/4πε0 व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ड्यू टू चार्ज q1 1/4πε0। चार्ज q1 कहाँ पे, यहाँ पे बीच में डिस्टेंस क्या है, r13 है। सो चार्ज q1 बाय डिस्टेंस इज r13 प्लस 1/4πε0 कौन सा चार्ज q2 की वजह से, q2 कहाँ पे, यहाँ पे। सो चार्ज q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r23। सो यू कैन राइट द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट c इज 1/4πε0 चार्ज q1 द डिस्टेंस इज r13 प्लस 1/4πε0 द चार्ज इज q2 द डिस्टेंस इज r23। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट c। अब पॉइंट c का हमें पोटेंशियल पता है, अब पॉइंट c में क्या करेंगे, चार्ज q3 को उठा के लाएंगे। नाउ वी ब्रिंग द चार्ज q3, चार्ज q3 का हम लोग क्या करेंगे, चार्ज q3 का वो यहाँ से उठा के किसी भी पार्ट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही नमूना कर रहा हूँ, थोड़ा सुंदर बना रहा हूँ, पाथ तेरा मेरा सीधा कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्गेनाइजिंग डिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो मैं चार्ज q3 को किधर ला रहा हूँ, चार्ज q3 को इस डायरेक्शन में ला रहा हूँ। तो चार्ज q3 मेरा इस पाथ में जाएगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ पे जाएगा, पॉइंट सी में जाने के लिए वर्क डन होगा, सपोज दैट वर्क डन इज w3। So now we'll write work done in bringing the charge, work done in bringing the charge Q3 from infinity, work done in bringing the charge Q3 from infinity to point C is, work done is W3, it will be equal to, कौन सा charge को ला रहे, charge is Q3। और कौन सा पॉइंट में ला रहे हैं, सी में, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल वी सी कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। सो Q3 इंटू वी सी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, है कि नहीं। सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन W3, टोटल वर्क डन W3 विल बी इक्वल टू चार्ज Q3 और पोटेंशियल एट सी, ये पूरा है। सो पोटेंशियल एट सी क्या है, इट इज 1/4πε0 चार्ज क्या है Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस r13 प्लस 1/4πε0 1/4πε0 चार्ज कौन सा है Q2, तो डिस्टेंस क्या है r23, डिस्टेंस क्या है r23। सो दिस इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। अब इंफिनिटी से पॉइंट A में Q1 को लाया, इंफिनिटी से पॉइंट B में Q2 को लाया, इंफिनिटी से पॉइंट C में Q3 को लाया, तीनों को लाने के लिए वर्क डन किया W1 W2 W3। तीनों वर्क डन को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, और वो जो टोटल वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन in assembling the configuration, total work done in assembling the configuration of charges, total work done in assembling the configuration of charges is, total work done is W, यहाँ पे तीन work done हुआ, charge Q1 को लाने के लिए, charge Q2 को लाने के लिए और charge Q3 को लाने के लिए, तीनों work done ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, total work done मिल जाएगा। charge Q1 को लाने के लिए work done कितना था, 0। चार्ज Q2 पर आने के लिए वर्क कितना है, 1/4πε0 चार्ज क्या था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है r12। और चार्ज Q3 पर आने के लिए वर्क कितना है, चार्ज Q3 पर आने के लिए वर्क डन है, इसको मैं तोड़ देता हूं, 1/4πε0 Q1 into Q3। सो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r13 प्लस 1/4πε0 1/4πε0 ये Q2 है, ये Q3 है। सो चार्ज Q2 Q3 डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज r23। सो दिस इज द टोटल वर्क डन, ये हो गया मेरा W1, ये हो गया मेरा W2 और ये हो गया मेरा W3। Now what will be the total work done? Total work done is equal to 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0 common. So you can take common 1/4πε0. Charge Q1, Q2, charge Q1, Q2,
q1 q2 divided by distance is r12 plus charge q1 q3. So this charge q1 q3 divided by the distance is r13 plus charge q2 q3. Charge q2 q3 divided by the distance r23. So this is the total work done in assembling the configuration of charge. But जो total work done होता है, this total work done is the potential energy of the configuration of charges. So the potential, so this work done is the potential energy भी बोल सकते हैं. This work done is the potential energy of the configuration of charges. This work done is the potential energy of the configuration of charges. तो मेरा configuration में तीन charge है, Q1, Q2, Q3. Q1 को लाने के लिए work done किया W1, Q2 को लाने के लिए work done किया W2, Q3 को लाने के लिए work done किया W3. तीनों work done को जोड़ेंगे तो हमें total work done मिला W. और ये सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क डन है वही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. सो देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1/4πε0 चार्ज q1 q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस r12 प्लस 1/4πε0 द चार्जेस q1 q3 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस r13 प्लस 1/4πε0 बाहर ले लिए ना, Q1, Q3 divided by the distance R13 plus Q2, Q3 divided by the distance R23. So, ये हो गया आपका total potential energy of this configuration. So, ये था आज का हमारा class, potential energy of the system of charges in the absence of external electric field. So in coming classes we will meet with potential energy of the configuration of charges in the presence of external electric field. ठीक है, till then ये video आप watch कीजिए, means देखिए. If you really like my videos, अगर आपको मेरी videos पसंद है please like it. नीचे comment section में एक बार comment कीजिए, comment करने से मुझे भी अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि we are working for this. अगर हम really अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें comment कर सकते हैं, और आप अगर कमेंट करेंगे देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है उसको भी आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे कोई भी चीज़ सजेशन कर सकते हैं. एस टीचर, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, देयर इज नोबडी इन दिस यूनिवर्स हु इज परफेक्ट, इवन मैं भी और इस दुनिया में कोई भी इंसान तो परफेक्ट नहीं है, तो मेरे से भी गलती हो सकती है. कुछ भी है यू कैन सजेस्ट मी. नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मेरा ग्रो हो. अगर मैं अच्छी तरीके से ग्रो करूँगा तो आपको भी ग्रो करने के लिए हेल्प करूंगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.